Hey guys, we have already talked about flux in the previous video, specifically about electric flux. वो idea हमारा clear हो चुका है. अभी हम उस idea को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है? तो इस board पे focus करो, कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इस पे concentrate करो, सिर्फ इस particular diagram पे concentrate करो. और देखो situation ऐसा है कि हमने यहाँ पर एक point Q charge को place करके रखा है, देख रहा है? A point Q charge is located at this point, and इस Q charge ने अपने चारों तरफ के environment को बदल कर रखा है, एक फोर्स फील्ड क्रिएट करके रखा है. और हम उस फोर्स फील्ड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? वी रिप्रेजेंट दैट फोर्स फील्ड विद द हेल्प ऑफ दिस रेड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो तुमको डायग्राम में दिख रहा है, राइट? एंड व्हाट आई एम गोइंग टू से इज दैट दिस फील्ड लाइन डिस्ट्रीब्यूशन फॉर दिस सिंगल पॉइंट चार्ज इज सिमेट्रिक इन नेचर. ना इस लाइन का मतलब क्या? मैंने कहा कि इस चार्ज के चारों तरफ का जो फील्ड लाइन है, वो फील्ड लाइन डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सिमेट्रिक है. सिमेट्रिक का मतलब ये है कि चाहे तुम आगे से देखो, साइड से देखो, ऊपर से देखो, पीछे से देखो, तुमको एक ही टाइप का फील्ड लाइन डिस्ट्रीब्यूशन दिखाई देगा. इज दैट क्लियर? आई होप सो समझ में आया. जिस तरफ से भी देखो तुमको फील्ड लाइन डिस्ट्रीब्यूशन एक ही जैसा दिखाई देगा, ठीक है? नाउ हमने क्या किया है, हमने एक ब्लैक कलर का, ध्यान से देखना, हमने एक ब्लैक कलर का इमेजिनरी क्लोज्ड स्पीयर कंसिडर किया है. ध्यान से सुनो, हमने एक ब्लैक कलर का एक इमेजिनरी क्लोज्ड स्पीयर कंसिडर किया है, और उस स्पीयर के सेंटर पे इस क्यू चार्ज को रखा गया है. उस स्पीयर के सेंटर पे इस क्यू चार्ज को रखा गया है. क्यू मैं बताऊंगा, हैव पेशेंस. इज दैट क्लियर? आइडिया क्लियर? ए पॉइंट चार्ज क्यू प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ऑल अराउंड इटसेल्फ, एंड द क्यू चार्ज इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ एन इमेजिनरी क्लोज्ड स्पीयर, ठीक है? So let us find out the flux. Let us find out the flux through this closed imaginary sphere. ये हमारा motive है. हमको flux निकालना है. ये जो closed imaginary sphere है, इसके through amount of field lines coming out वो निकालना है. Electric flux निकालना है. Is that clear? Okay. So let's start finding out electric flux in this case. And electric flux in this case is equal to integration of E vector dot ds vector. This is the basic formula that we use. Is that clear? बट अगर हम इस सिचुएशन को ध्यान से देखें ना, तो हमारे पास एक बहुत इंटरेस्टिंग सा ऑब्जर्वेशन है. वेरी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन. द फर्स्ट इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन इज दैट एज बिकॉज दिस इज अ स्पीयर, एवरी पॉइंट ऑन द स्पीयर इज एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट चार्ज, बिकॉज द पॉइंट चार्ज इज लोकेटेड एट द सेंटर. द सेंटर से स्पीयर का हर एक जगह एक ही डिस्टेंस पे है. अगर हर एक पॉइंट एक ही डिस्टेंस पे है, तो स्पीयर के हर एक पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा, द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, इट विल बी सेम. एट एवरी पॉइंट ऑन द स्पीयर द मैग्नीट्यूड ऑफ ई विल बी सेम. और उस ई का वैल्यू कितना होगा, चलो मैं यहाँ पर लिख कर रखता हूँ. इस ई का वैल्यू कितना होगा, दैट इज के क्यू. और इस सर्फेस से इस पॉइंट चार्ज का डिस्टेंस कितना आर, तो मैं के क्यू बाई आर स्क्वायर लिख सकता हूँ. और हर एक इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इतना ही है. एक तो पहला ये ऑब्जर्वेशन, ठीक है, ई का मैग्नीट्यूड कॉन्स्टेंट है. सेकेंड ऑब्जर्वेशन ये है दैट ऑल द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर रेडियल. इज दैट क्लियर? जितने सारे तुमको ई दिख रहे हैं, ऑल द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर एक्चुअली पासिंग अलॉन्ग द रेडियस ऑफ द स्पीयर. इससे क्या होता है, इससे अगर मैं फॉर एग्जाम्पल इस छोटे से पैच में कंसिडर करो, इस छोटे से पैच पर ध्यान दो, इस छोटे से पैच का जो एरिया वैक्टर है एंड जो ई वैक्टर है, ध्यान से देखो, डी एस वैक्टर ग्रीन कलर में मैंने रिप्रेजेंट करके रखा है. जो एरिया वैक्टर है एंड जो ई वैक्टर है, दे आर बेसिकली पॉइंटिंग अलॉन्ग द सेम डायरेक्शन. एंड सिर्फ यहाँ नहीं होता, तुम कहीं पर भी ई वैक्टर एंड डी एस वैक्टर का एंगल चेक करो, कहीं पर भी ई वैक्टर एंड डी एस वैक्टर का एंगल चेक करो, तुमको आंसर क्या मिलेगा, 0 degree, बिकॉज ई वैक्टर एंड डी एस वैक्टर आर लाइंग अलॉन्ग द सेम लाइन, सो द एंगल बिटवीन दम इज 0 degree. तो हमने ये देखा, पहली बात क्या है, ई तो का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, कांस्टेंट. और सेकंड हमने ये देखा कि दोनों के बीच का जो एंगल है, दैट इज इक्वल टू व्हाट, 0 degree, ठीक है? तो अगर ये हमारे पास एडवांटेज है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कांस्टेंट है और एंगल 0 degree है, तो इंटीग्रेशन में क्या होता है देखते हैं. अगर मैं इसको खोलूंगा तो क्या आएगा, ई डी एस, एंड एंगल बिटवीन ई एंड डी एस दैट विल ऑलवेज बी 0 degree. तो कॉस 0 लिख के रखा हमने, क्या मैं इंटीग्रेशन के बाहर ई को लेके जा सकता हूँ? यस, वी कैन टेक आउट ई आउट ऑफ द इंटीग्रेशन बिकॉज ई इज अ कॉन्स्टेंट. तो हमने ई को बाहर रख दिया. कॉस 0 का वैल्यू 1 है बिकॉज हमेशा कॉस 0 ही आएगा, ये भी एक कॉन्स्टेंट ही है. और आता है सिर्फ इंटीग्रेशन ऑफ डी एस. इंटीग्रेशन के अंदर अगर कोई बच जाता है, वो है इंटीग्रेशन ऑफ डी एस. एंड डी एस इज द एरिया ऑफ ए स्मॉल पैच
दिख रहा है, this is the integration, ds is the area of this small patch. तो अगर मैं integration of ds करता हूँ, इसका मतलब क्या है, मुझे patch by patch सारे areas को add कर देना है. अगर मैं सारे areas को add कर दूँ, तो मुझे finally इस पूरे spherical sphere का surface area मिलेगा, right? So in this case, मैं क्या लिख सकता हूँ, e का value एक बार put कर देता हूँ, that is kq by r square and ds, integration of ds, which means the surface area of this sphere and which is equal to 4 pi r square. ध्यान से देखो, r square gets cancelled, k can be written as 1 by 4 pi epsilon naught, यहाँ पर भी एक 4 pi है, 4 pi इस 4 pi को मार देता है, तो बचता क्या है, that is q by epsilon naught and this is the flux, the value of flux through this closed spherical surface that is equal to 1 by epsilon naught the total charge enclosed by that sphere. Q is the total charge enclosed by the sphere. ये हो गया हमारा flux. देखो ये integration आसान इसलिए हुआ because field line distribution symmetric था, हर एक point sphere के हर एक point में electric field का magnitude same था, E and ds vector के बीच का angle हमेशा 0 degree था, that is the reason हमारा integration इतना आसान हो गया. तो हमने flux निकाल लिया. ठीक है, अभी ना थोड़ा बेसिक्स में ध्यान देते हैं. फ्लक्स एक्चुअली होता क्या है, इट इज़ द अमाउंट ऑफ समथिंग पासिंग थ्रू ए सरफेस. प्रीवियस वीडियो में समझाया था, इन दिस केस इट इज़ द अमाउंट ऑफ फील्ड लाइंस, टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द सरफेस. याद है ना ये लॉजिक, टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द सरफेस. अभी हम इस डायग्राम को ध्यान से देखते हैं, और इस डायग्राम को अगर ध्यान से देखोगे, इस पर हमारे पास तीन क्लोज सरफेस है, देयर आर थ्री क्लोज सरफेस. ब्लैक वाला तो पहले से ही था, तो मैंने और एक क्लोज सरफेस बनाया आर्बिटरी शेप का, दिख रहा है, वन वन इज ए क्लोज्ड सरफेस ऑफ आर्बिटरी शेप, नंबर टू भी एक क्लोज सरफेस है आर्बिटरी शेप का. ठीक है, तीसरा वाला तो एकदम स्फीयर के शेप का है, बाकी दो वन एंड टू मैंने आर्बिटरी शेप का लिया है. तो देखो मेरा कहना यह है कि अगर फ्लक्स इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग द अमाउंट ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू, तो ध्यान से देखो इस ब्लैक वाले के थ्रू जितना फील्ड लाइंस पास कर रहा है, वो सारे के सारे फील्ड लाइंस इस ब्लू वाले सरफेस को भी तो काट के निकल रहा है. ध्यान से देखो, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, एट फील्ड लाइंस, फॉर एग्जांपल जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड, एट फील्ड लाइंस इज कटिंग थ्रू दिस ब्लैक गॉशियन ब्लैक स्फेरिकल सरफेस. सिमिलरली अगर मैं इस ब्लू वाले सरफेस को देखूं, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, इस ब्लू वाले क्लोज सरफेस को भी तो आठ फील्ड लाइंस ही कट करके जा रहा है. द अमाउंट ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द ब्लू सरफेस इज ऑल्सो सेम एज द अमाउंट ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द ब्लैक सरफेस. सिमिलरली द अमाउंट ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द ग्रीन सरफेस इज ऑल्सो द सेम, राइट? ब्लैक सरफेस के थ्रू जितना अमाउंट ऑफ फील्ड लाइंस पास कर रहा है, ग्रीन सरफेस के थ्रू भी उतना ही फील्ड लाइंस पास कर रहा है, ब्लू सरफेस के थ्रू भी उतना ही फील्ड लाइंस पास कर रहा है. इसका मतलब ये हुआ कि तीनों के थ्रू फ्लक्स सेम ही होगा. इज दैट क्लियर? तीनों के थ्रू फ्लक्स सेम ही होगा, चाहे वो ब्लैक वाला हो, चाहे वो ग्रीन वाला हो, चाहे वो ब्लू वाला हो, फ्लक्स थ्रू ऑल ऑफ देम विल बी सेम. दैट मीन्स मैं ये कहना चाहता हूँ, फ्लक्स थ्रू द फर्स्ट सरफेस इज इक्वल टू फ्लक्स थ्रू द सेकेंड सरफेस इज इक्वल टू फ्लक्स थ्रू द थर्ड सरफेस इज इक्वल टू 1 by epsilon naught times the total charge enclosed by the surface. Is that clear? That means कितना फ्लक्स होगा वो उस सरफेस के शेप एंड साइज पे डिपेंड नहीं कर रहा. इज दैट क्लियर? अभी तो दिखाया, चाहे वो ब्लैक हो, ग्रीन हो, ब्लू हो, कितना फ्लक्स होगा उसके थ्रू, उसके शेप एंड साइज पे डिपेंड नहीं कर रहा, डिपेंड कर रहा है किस पे, कितना चार्ज एनक्लोज्ड, जो हमने जस्ट नाउ डिराइव किया. इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? ओके, तो ये जो हमने लिखा ना, ये जो हमने कंसेप्ट डिस्कस किया है, दिस इज ए वेरी वेरी फेमस लॉ, ए वेरी फेमस लॉ दैट इज नोन एज गॉस लॉ. क्या बोलते हैं इसको? गॉस लॉ बोलते हैं. देखो मैंने लिख के रखा है गॉस लॉ, और गॉस लॉ ये स्टेट करता है दैट द टोटल फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस, दैट द टोटल फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस इज ऑलवेज इक्वल टू द नेट चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट. किसी भी क्लोज सरफेस के थ्रू टोटल फ्लक्स कितना होगा, किसी भी क्लोज सरफेस के थ्रू टोटल फ्लक्स कितना होगा, वो डिपेंड करता है कि उस क्लोज सरफेस के अंदर नेट चार्ज कितना है. क्या बोला मैंने? नेट चार्ज कितना है डिवाइडेड बाय व्हाट? एप्सिलॉन नॉट. तो ये था लॉजिक, और ये है उसका स्टेटमेंट, द वेरी फेमस गॉस लॉ. ठीक है, एक टर्मिनोलॉजी है, मैं बता देता हूँ. ये जो हम लोग सरफेस बनाते हैं ना, ये जो सरफेस है सारा बना रहे हैं, ये कोई रियल सरफेस नहीं है. ऐसा नहीं कि मैंने कुछ मटेरियल डाल के इस सरफेस को बनाया. दिस आर ऑल इमेजिनरी सरफेसेस, और इन सरफेसेस को एक स्पेशल नाम दिया गया है, दैट इज कॉल्ड एज गॉशियन सरफेस. वी कॉल दिस सरफेसेस एज गॉशियन सरफेस.
तो आगे से मैं ये गॉसियन सरफेस टर्म ही यूज़ करूँगा जब मैं इनके बारे में डिस्कस करूँगा। आई होप सो तुमको समझ में आया, इज दैट क्लियर? इसको नोट करो। हमने गॉस लॉ का तो एक्सप्रेशन देख लिया, लेकिन गॉस लॉ को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट छोटे छोटे आइडियाज़ है जो क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, तो मैं उन पॉइंट्स को तुमको बताना चाहूँगा। सो दिस इज हाउ ए टिपिकल एक्सप्रेशन ऑफ ए गॉस लॉ लुक्स लाइक। इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस दैट इज इक्वल टू 1/ε टाइम्स द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड। देखो इंटीग्रेशन के ऊपर हमने ऐसा एक सर्कल बना कर रखा है, ये सर्कल ये रिप्रेजेंट करता है कि ये जो इंटीग्रेशन है, दिस इंटीग्रेशन इज ओवर ए क्लोज्ड सरफेस। क्लोज्ड सरफेस के ऊपर हमने इंटीग्रेशन किया, उसका रिप्रेजेंटेशन है ये सर्कल, ठीक है? तो लेट अस कंसीडर दिस सिचुएशन जहाँ पर ये एक गॉसियन सरफेस है और उसके अंदर हमने दो चार्जेस रखा है, प्लस क्यू वन एंड माइनस क्यू टू, और गॉसियन सरफेस के बाहर ब्लू कलर में तुमको दिख रहा होगा हमने दो चार्जेस रखा, क्यू थ्री एंड माइनस क्यू फोर। इज दैट क्लियर? नाउ माय फर्स्ट क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू, यहाँ पर इस एक्सप्रेशन में जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड तुमको दिख रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कौन से चार्जेस का है? इज दिस इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ चार्जेस क्यू वन एंड माइनस क्यू टू? इज दिस इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ चार्जेस क्यू थ्री एंड माइनस क्यू फोर? या ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इट इज ड्यू टू ऑल द चार्जेस विच आर प्रेजेंट इन साइड द गॉसियन सरफेस एज वेल एज आउटसाइड द गॉसियन सरफेस? ये मेरा क्वेश्चन है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड दिख रहा है, ये किसका इलेक्ट्रिक फील्ड है? बिकॉज यहाँ पर दो चार्जेस गॉसियन सरफेस के अंदर है, दो चार्जेस गॉसियन सरफेस के बाहर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसका है? और इसका आंसर ये है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, दिस इज बिकॉज ऑफ ऑल द चार्जेस विच आर प्रेजेंट इन साइड एज वेल एज आउटसाइड द गॉसियन सरफेस। ध्यान से सुनो, मैंने कहा कि जो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड तुमको दिख रहा है, बहुत लोगों का मिसकंसेप्शन हो सकता है कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड जो चार्जेस अंदर है वही चार्जेस रिस्पॉन्सिबल होंगे, ऐसा नहीं है। चाहे चार्जेस अंदर हो चाहे चार्जेस बाहर हो, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड को अकाउंट में लेंगे तो हम हमेशा रिजल्टेंट फील्ड देखते हैं, और रिजल्टेंट फील्ड बनाने वाला उस विसिनिटी में, उस नेबरहुड में जितने सारे चार्जेस हैं, सारे के सारे चार्जेस कंट्रीब्यूट करेंगे फील्ड को बनाने में। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड तुमको दिख रहा है, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू ऑल द चार्जेस क्यू वन माइनस क्यू टू क्यू थ्री माइनस क्यू फोर प्रेजेंट इन द नेबरहुड। इज दैट क्लियर? तो इससे एक डाउट क्रिएट होता है स्टूडेंट्स के दिमाग में, मैं बताता हूँ वो डाउट क्या है। इस एक्सप्रेशन को थोड़ा देखते हैं, मैंने लिखा कि जो फ्लक्स होता है दैट इज इक्वल टू 1/ε टाइम्स द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड। तो चार्ज एनक्लोज्ड की जगह हमने क्या लिखा, क्यू वन प्लस माइनस क्यू टू, दैट इज क्यू वन माइनस क्यू टू, सो दिस इज द चार्ज एनक्लोज्ड। तो कोई अगर इस एक्सप्रेशन को देखेगा वो मुझे बोल सकता है, सर अगर आप राइट हैंड साइड इक्वेशन को देखो तो फ्लक्स बनाने के लिए सिर्फ क्यू वन और क्यू टू ही रिस्पॉन्सिबल है। देखिए एक्सप्रेशन में सिर्फ क्यू वन एंड माइनस क्यू टू ही आ रहा है, इज दैट क्लियर? तो फ्लक्स बनाने के लिए अगर सिर्फ Q1 Q2 ही रिस्पॉन्सिबल है, देखो Q3 माइनस Q4 ये एक्सप्रेशन में नहीं आ रहा, सिर्फ Q1 एंड माइनस Q2 आ रहा है, तो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड सब के लिए क्यों लिया? वाई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड टेकन फॉर ऑल द चार्जेस? वाई नॉट ओनली बिकॉज ऑफ Q1 एंड माइनस Q2? बिकॉज इफ यू सी द राइट हैंड साइड ऑफ द एक्सप्रेशन, ओनली दिस टू चार्जेस Q1 एंड माइनस Q2 इज कमिंग इन दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन विच इज द अमाउंट ऑफ फ्लक्स थ्रू दिस गॉसियन सरफेस। इज दैट क्लियर? इसे ना बहुत बढ़िया सा आइडिया है, बहुत बहुत ब्यूटीफुल सा कंसेप्ट है, इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है? तो लेट अस कंसेंट्रेट इन दिस डायग्राम, और एक डायग्राम मैंने बनाया। सोचो जैसे कि तुमको दिख रहा है कि इसके अंदर हमने एक चार्ज रखा प्लस क्यू वन गॉसियन सरफेस के अंदर, और एक चार्ज हमने रखा क्यू टू जो कि गॉसियन सरफेस के बाहर है, ब्लू कलर का चार्ज क्यू टू। सबसे पहले ना बाहर वाले चार्ज को लेकर डिस्कस करते हैं। तो जैसे कि हमने देखा कि बाहर वाला चार्जेस जो है वो फ्लक्स बनाता नहीं है, एक बार देखते कि ये जो फील्ड लाइन छोड़ रहा है, जब ये फील्ड लाइन गॉसियन सरफेस के थ्रू पास करता है तो होता क्या है वो देखते। ध्यान से देखो, यहाँ से अगर फील्ड लाइन निकलेगा एंड एज बिकॉज दिस चार्ज इज आउटसाइड द गॉसियन सरफेस, अगर इस फील्ड लाइन के पाथ को तुम ध्यान से ट्रेस करोगे तो तुमको दिखाई देगा ये फील्ड लाइंस निकल के एक बार गॉसियन सरफेस को यहाँ पर एंटर करते हैं और यहाँ से फिर गॉसियन सरफेस को एग्जिट भी कर जाते हैं। एक जगह पर फील्ड लाइंस एंटर करते हैं और दूसरे जगह से फील्ड लाइंस निकल भी जाते हैं। दे कट द सरफेस ट्वाइस, वंस वाइल गोइंग इन एंड सेकेंडली वाइल गोइंग आउट। तो एक बात बताओ, जितना फील्ड लाइंस आया उतना ही फील्ड लाइंस निकल गया, करेक्ट? जितना फील्ड लाइंस आया उतना ही फील्ड लाइंस निकल गया, तो वो लोग फ्लक्स क्या बनाएंगे? जितना इन्फ्लक्स हुआ उतना ही आउटफ्लक्स हुआ, तो टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। दैट इज द रीजन बाहर के चार्जेस फ्लक्स क्रिएट नहीं कर पाते, इवन दो वो लोग फील्ड तो प्रोड्यूस कर देते हैं लेकिन वो फील्ड के पास कैपेसिटी नहीं होता फ्लक्स बनाने का, बिकॉज वो गॉसियन सरफेस को दो बार काटता है, एक बार जाते वक्त एक बार आते वक्त, सॉरी एक बार घुसते वक्त एक बार निकलते वक्त,
Is that clear? Inside, while getting in and while getting out. Is that clear? Okay. Now, what will happen if a charge is inside the Gaussian surface? तो अलग क्या होता है? ध्यान से देखो. यहाँ पर हमने plus Q1 एक चार्ज को कंसिडर किया और ये Gaussian surface के अंदर है. तो ध्यान से देखो, यहाँ से जो फील्ड लाइन्स निकल रहे हैं ना, ये जो सारे फील्ड लाइन्स निकल रहे हैं, ये Gaussian surface को सिर्फ एक ही बार कट कर रहा है. In this case, as because this is a positive charge and field lines are coming out, all these field lines are exiting the surface. इस surface से बाहर जा रहा है सिर्फ एक बार, cutting the surface only once. लेकिन यहाँ से जो field निकला था वो दो बार कट रहा था, एक बार घुसते वक्त, एक बार निकलते वक्त. यहाँ पर जो field है वो सिर्फ एक ही बार कट कर रहा है, तो इसके कारण flux zero नहीं आएगा. अगर प्लस क्यू वन के जगह माइनस क्यू टू होता तो कहानी भी ऐसा ही होता, सिर्फ डायरेक्शन बदल जाता. इस बार फील लाइन्स बाहर नहीं जाते, इस बार फील लाइन्स अंदर आते, लेकिन अंदर आते वक्त भी सिर्फ सरफेस को एक ही बार कट करते. दैट इज द रीज़न कि गॉसियन सरफेस के अंदर जो चार्जेस होते हैं उन चार्जेस के कारण तुमको एक रिजल्टेंट फ्लक्स मिलता है, लेकिन बाहर के चार्जेस के लिए तुमको रिजल्टेंट फ्लक्स नहीं मिलेगा. दैट इज द रीज़न यहाँ पर हम चार्जेस एनक्लोज लिखते हैं. लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड किसका होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड तो सबका होता है, जितने सारे चार्जेस है उस नेबरहुड में, उस आस पास गॉसियन सरफेस के अंदर, गॉसियन सरफेस के बाहर, बाकी जितने सारे चार्जेस है, ऑल ऑफ देम विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग दिस इलेक्ट्रिक फील्ड. आई होप सो तुमको समझ में आया. इट्स अ वेरी नाइस आइडिया. बहुत लोगों का एक मिसकंसेप्शन होता है. आई होप सो आई हैव क्लियर दिस आइडिया. कभी भूलना मत, ठीक है? इसको नोट करो.